जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए BA थर्ड ईयर का हिंदी लिटरेचर का सेकंड पेपर, हिंदी नाटक निबंध से संबंधित जो है गद्य विधाओं से संबंधित इसमें जो आपका पेपर होता है सेकंड पेपर हिंदी लिटरेचर का, कौन किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए देख लेते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, लाइक कर लें। इसमें खंड ये पूछा गया, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सकटार है, इस प्रकार पूछा गया। आलाखंड के लेखक का नाम बताइएगा, तो आलाखंड जो है जगनिक की रचना मानी जाती है। आलाखंड जिसको परमाल रासु के नाम से जाना जाता है। अंधेर नगरी किस विधा में लिखी गई कृति, एकांकी, नाटक, प्रहसन, एक कहानी, ये बताना है। बुंदेली भाषा का मानक कवि किसे कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि करुणा निबंध लेखक का नाम लिखिएगा। तो ये जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे गए हैं। फिर खंड ए में, खंड बी में आपके पूछे गए क्वेश्चन है लघुत्तरीय क्वेश्चन, नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश का अवदान पर टिप्पणी लिखिए, अथवा अगर नहीं बन रहा है तो आप अथवा कर सकते हैं, चीनी भाई के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिएगा। ये जो है आपका अथवा पूछा गया। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि आलाखंड की भाषा गत विशेषताएं लिखिएगा, इसके अथवा में दिया है, अगर नहीं बनता तो आप अथवा कर सकते हैं कि दुर्गेश दीक्षित के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है माधव शुक्ल मनोज के काव्य सौंदर्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा में दिया गया पंडित भैयालाल व्यास की 5 कृतियों के नाम लिखिए, ईश्वरी की कोई एक चौकड़िया लिखिएगा, और इसके अथवा में है मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न को लिखना है। संतोष सह बुंदेला के गीतों की 3 विशेषताएं लिखना है, अथवा में है आधुनिक काल के बुंदेली साहित्य की 3 विशेषताएं लिखिए। ये खंड बी में पूछे गए थे लघु उत्तरी। अब खंड सी में आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा में दिया गया है रंगमंच की विकास यात्रा में भारतेंदु जी का क्या योगदान स्पष्ट कीजिए। करुणा की विशेषताएं विस्तार से लिखिए, अथवा में दिया दीपदान की समीक्षा कीजिए। हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, इसके अथवा में दिया है कि बुंदेली की उपबोलियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, अथवा में भी आपके लिए वही दिया गया है तो आपको व्याख्या करना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे 11 पूछा, यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर भी करना है, और अगर ऊपर वाली आपसे नहीं बनती तो आप अथवा में भी जो है कर सकते हैं, इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी सब्जेक्ट का, जो पेपर है आपका हिंदी लिटरेचर का सेकेंड पेपर हिंदी नाटक निबंध गद्य विधाओं से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे, इसी तरह के पेपर हम लाते रहेंगे आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किस विषय का पेपर आपके लिए चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।